गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ये वीडियो सिक्स क्लास के लिए है जिसमें हम एक्सरसाइज 1.6 आज डिस्कस करेंगे और मैं आपको प्राची मैथमेटिक्स सॉल्यूशंस करवा रहा हूँ और ये एक्सरसाइज 1.6 है जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है द नंबर 1,25,732 इज राउंडेड टू। अगर इसको राउंड करना पड़े तो हम इसमें बता रखें ऑप्शन गिवन है, ऑप्शन के हिसाब से अगर हम देखें तो इसमें बोल रखा कि नियरेस्ट हंड्रेड, यानी ये राउंड कर रखा है नियरेस्ट हंड्रेड। और बच्चों आप जानते हो कि हंड्रेड्स के अंदर टू जीरो आती हैं, यानी कि दो जीरो, तो हंड्रेड्स के अंदर इसमें दो जीरो हैं, ये तो ठीक है। लेकिन जब हम नियरेस्ट हंड्रेड राउंड करते हैं तो हम सेकेंड डिजिट को देखते हैं वो फाइव के इक्वल है या फाइव से बड़ा है। अगर फाइव के इक्वल या फाइव से बड़ा है तो नेक्स्ट डिजिट में वन कैरी होगा, तो ये तो फाइव से छोटा है तो ये ठीक है ऑप्शन नियरेस्ट हंड्रेड। फिर आ गया नियरेस्ट हंड्रेड, अब दो बार नहीं हो सकता कि हंड्रेड्स में दो जीरो होती है, इसमें एक ही जीरो है, तो ये ऑप्शन नहीं है अभी। अब ये ऑप्शन वैसे ही कैंसिल होगा क्योंकि ए बी दोनों दे रखे, इसके अंदर बी तो है नहीं हमारा आंसर में, तो ये भी नहीं आएगा। इसमें थाउजेंड बोर्ड रखा है तो तीन जीरो आएंगी जो नहीं होगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा ए। सेकेंड क्वेश्चन है एस्टिमेटेड वैल्यू, इसका एस्टिमेटेड वैल्यू बताना है, एस्टिमेटेड वैल्यू बताएंगे इसकी माइनस करके। तो इसका हंड्रेड्स जो आप राउंड ऑफ करो, हंड्रेड्स राउंड ऑफ करेंगे इसका तो ये हो जाएगा, हंड्रेड्स के लिए दो जीरो चाहिए तो दो जीरो हो गई। ये सेकेंड जो डिजिट है उसको देखेंगे हम, ये फाइव से छोटा है तो इसके अंदर कैरी ऐड नहीं करेंगे, हम ऐसे ही रखेंगे इसको। इसका नियरेस्ट हंड्रेड देखेंगे तो दो जीरो, और इसको वन को वन रखेंगे, ये आ जाएगा माइनस में 1100, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो आ गया बच्चे सुनने आपको, अब चलते हैं नेक्स्ट डिजिट पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नियरेस्ट टेन करना है आपको, नियरेस्ट टेन करना है तो फर्स्ट पार्ट करेंगे हम सेकंड क्वेश्चन का। अब नियरेस्ट टेन करना है बच्चों, नियरेस्ट टेन के लिए हम क्या करते हैं कि नियरेस्ट टेंस, टेंस में एक जीरो होती है, एक जीरो लगाएंगे इस डिजिट पे, फर्स्ट डिजिट पे। अब इसी डिजिट को हम देखेंगे, अगर ये डिजिट फाइव से बड़ा है, अगर ये डिजिट फाइव से बड़ा है, ये फाइव से छोटा है वैसे तो थ्री, ठीक है, वैसे मैं बता रहा हूँ अगर ये फाइव से बड़ा होता या फाइव के बराबर होता तो हम इसमें कैरी ऐड करते नेक्स्ट डिजिट के अंदर, लेकिन ये फाइव से छोटा है तो हम इसको ऐसा कर ऐसा रखेंगे और ये हो जाएगा आपका नियरेस्ट टेंस। उसे नेक्स्ट डिजिट की अगर बात करें हम, जैसे कि फोर है, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ, फोर नहीं नियरेस्ट टेंस के करना है तो इसकी जगह जीरो, अब ये फाइव से क्या है छोटा है तो हम वन ऐड नहीं करेंगे क्योंकि आप ये हम जीरो फोर ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, तो हम आगे वन ऐड नहीं होगा तो ये आ जाएगा इसका नियरेस्ट टेंस। इसमें बाकी जो पार्ट आप करके देख लेना, अगर नहीं आपको समझ आए तो पूछ लेना। नियरेस्ट हंड्रेड आता है उसके बाद, नियरेस्ट हंड्रेड की अगर हम बात करें तो नियरेस्ट हंड्रेड में दो जीरो यूज होती है, ठीक है, तो इसे सेकेंड पार्ट में आपको कराऊँ, थर्ड का सेकेंड पार्ट, और ये है नियरेस्ट हंड्रेड। नियरेस्ट हंड्रेड में जैसे कि टेंस के अंदर दो एक जीरो आएगी, वैसे ही हंड्रेड्स के अंदर नियरेस्ट हंड्रेड में दो जीरो आएंगे, इसकी जगह पे जीरो और इसकी जगह पे जीरो। अब ये जो डिजिट है वो फाइव के इक्वल है, फाइव के इक्वल है तो इसके अंदर वन कैरी होगा, तो वन कैरी होगा तो ये हो जाएगा एट, बाकी सभी डिजिट ऐसे के ऐसे आ जाएगा, ये आ जाएगा नियरेस्ट हंड्रेड। अगर फोर्थ पार्ट की मैं बात करूँ, ये फोर्थ पार्ट है 3, 5, 7, 8, 9, इसी का एक पार्ट और कर लेते हैं हम। इसके अंदर भी क्या होगा कि ये जो नियरेस्ट हंड्रेड में दो जीरो आ जाएंगी, ये दो जीरो हो गई, अब ये जो है फाइव से बड़ा है, फाइव से बड़ा है तो इसके अंदर एक कैरी होगा, सॉरी सेकंड डिजिट देखेंगे भी हम, सेकंड डिजिट देखेंगे तो ये फाइव से बड़ा है एट है तो इसके अंदर वन कैरी होगा, ठीक है, ये नहीं होगा, ये गलती से हो गया, ये हो जाएगा वन कैरी तो इसके अंदर एट हो जाएगा और ये आ जाएगा
क्या आपका नियरेस्ट 100 आ जाएगा। अब नेक्स्ट आता है नियरेस्ट 1000। नियरेस्ट 1000s के अंदर अगर मैं आपको बताऊं, थर्ड पार्ट करते हैं हम, नियरेस्ट 1000s में क्या होगा? नियरेस्ट 1000s में होगा 3 जीरो का यूज, यानी कि फर्स्ट 3 डिजिट को हम 0 बना देंगे 1000s में, ये हो गया। अब थर्ड डिजिट को ही देखेंगे हम, इसमें 100s में सेकंड डिजिट को, 10s में फर्स्ट डिजिट को, 1000s में थर्ड डिजिट को देखेंगे। ये 5 से ग्रेटर है, 5 से ग्रेटर है तो इसके अंदर 1 कैरी ऐड कर दो, तो 1 कैरी हो जाएगा, ये आ जाएगा नियरेस्ट 1000, आ जाएगा नियरेस्ट 1000। बाकी आप कर सकते हो क्वेश्चन, अगर तो आपको समझ नहीं आए तो पूछ लेना। अब ये जो हैं आपको सभी नियरेस्ट 100s जो हैं राउंड ऑफ करके, नियरेस्ट राउंड 100 राउंड ऑफ करके, अगर माइनस है तो माइनस करना है, प्लस है तो प्लस करना है, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं आपको करवा देता हूँ प्लस का, सेकंड क्वेश्चन 1 4 5, और इसके अंदर आपको ऐड करना है 2 4 7 8, तो इनको आपको नियरेस्ट 100 राउंड ऑफ करना है। नियरेस्ट 100 राउंड ऑफ करेंगे तो दोनों डिजिट की जगह पे फर्स्ट 2 डिजिट की जगह 0, 100 में सेकंड डिजिट को देखते हैं, ये 5 से छोटा है तो ये आ जाएगा ऐसे कैसा। अब इसकी जगह पे भी 2 जीरो, फिर सेकंड डिजिट को देखेंगे, ये 5 से बड़ा है, 5 से बड़ा है तो इसमें आ जाएगा 1 कैरी, ये हो जाएगा 5, और ये आ जाएगा। तो बच्चों इसका आंसर जो है एस्टिमेटेड वैल्यू ये आ गई। ऐसे ही माइनस वाले में होगा, सब्ट्रैक्ट वाले में आप सब्ट्रैक्ट कर लोगे। ऐसे ही फिर होता है मल्टीप्लिकेशन वाले में, जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन बता देता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन हम कर लेते हैं, 42 × 70 127, इसका राउंड ऑफ करना है हमें नियरेस्ट 100। तो फर्स्ट 2 डिजिट की जगह पे 0, फर्स्ट डिजिट ग्रेटर हो कोई दिक्कत नहीं है, 100s में कोई दिक्कत नहीं है, 10s में दिक्कत होगी। 100s में सिर्फ सेकंड डिजिट देखना है, उससे पहले चाहे बड़ा हो 5 5 से या 5 से छोटा, कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ सेकंड डिजिट को देखना आपको, ये 5 से छोटा है तो इसके अंदर कैरी ऐड नहीं होगा, ऐसे कैसे आ जाएगा। इसमें नियरेस्ट इसको 10s करेंगे, 100 तो नहीं कर सकते, 10s करेंगे इसको, ठीक है। तो इसको नियरेस्ट 10s करेंगे तो इसमें क्या जाएगा, ये 2 है तो 0, और ये 2 जो है नियरेस्ट 10s के अंदर 5 से छोटा है तो ये आ जाएगा 4 का 4। इसके आप मल्टीप्लाई कर सकते हो ऐसे करके, और ये आ जाएगा 4000। तो बच्चों आपको समझाया हुआ, अगर मैं आपको बताऊं जैसे कि ये डिजिट, ये वाला जो क्वेश्चन है इसका 7 4 171 × 7, अब ये डिजिट जो हो जाएगा इसका नियरेस्ट 100 करेंगे तो ये हो जाएगा 2 जीरो, सेकंड डिजिट हमने देखा तो 5 से बड़ा है वो, ये 5 आ जाएगा। अब ये जो 7 है, इस 7 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अब ये 5 से बड़ा है, 1 जीरो तो इसके अंदर यूज होगी, अब ये 5 से बड़ा है तो इसके अंदर एक कैरी ऐड होगा तो ये हो जाएगा 10। 500 के इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 5000 आप कर सकते हो। उसके बाद ये ऐसे ही होगा जैसे कि डिवाइड वाला, मैं आपको बता देता हूँ ये क्वेश्चन, इसमें नियरेस्ट 10s रहेगा, ठीक है। फर्स्ट पार्ट कर लेते हैं, 295 को डिवाइड करना है, 295 को आप डिवाइड करवाओगे 15 से, तो इसमें नियरेस्ट 100 करेंगे, एक 2 जीरो आ जाएंगे, ये 5 से बड़ा है तो ये 3 हो जाएगा। अब इसको 10s करेंगे नियरेस्ट के, तो इसके अंदर 2 ही डिजिट है तो ये हो जाएगा कितना, 5 इसकी जगह पे 0, ये 5 के इक्वल है तो इसमें हो जाएगा 2, कैंसिल ही आ जाएगा 15 आंसर। तो ऐसे डिवाइड वाले करना है। तो बच्चों आपकी जो एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है, आप उसको जो है कॉपी में राइट डाउन कर लें। तो आज के लिए इतना ही, ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।